हे गाइस, दिस इज राज कदम हियर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं हम सब के फेवरेट ब्रांड की, जो कि है मसलब्लेस। एंड आज की वीडियो में मैं मसलब्लेस के क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को रिव्यू करने वाला हूं। एंड अगर आप मसलब्लेस से कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड राजएमबी, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूं इज गोइंग टू बी माय पर्सनल ओपिनियन, माय पर्सनल थॉट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पे एक डिटेल वीडियो बनाई मैंने, उस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिन आपको डेली कितना लेना चाहिए, कौन सा क्रिएटिन लेना चाहिए और क्रिएटिन के साइड इफेक्ट एक्सेट्रा। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट और उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर आ रही होगी। आई नो आप मेरा कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैं इस वीडियो में इसको प्रमोट नहीं करने वाला हूँ, मैं जो मेरे रियल थॉट्स है, जो मेरे जेन्युइन थॉट्स है वही बताने वाला हूँ। एंड वो आपको आगे समझ में आएगा जब मैं इसके निगेटिव बताऊंगा। सो लेट्स सी इन्होंने इसमें क्या क्या डाला है। एज ए अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन है तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को यूज किया है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। बाकी ब्रांड्स लाइक हेल्दी है, इसमें एंटी केकिंग का यूज करते हैं जिससे कि क्रिएटिन स्टोन्स में कन्वर्ट नहीं होता जब वो ऐसे जार में होता है। बट मसलब्लेस की पैकेजिंग बहुत सुपीरियर है, इसलिए जब आप इसे टाइट सील करते हो या फिर पैक करते हो जार को, तब इसमें कोई भी एयर अंदर नहीं जाती जिससे क्रिएटिन स्टोन्स में कन्वर्ट नहीं होता। अभी आपको स्क्रीन पे इसकी सर्विंग साइज की एक्यूरेसी आ रही होगी। एंड अगर इसकी मिक्सिबिलिटी की बात की तो ये पानी में इजीली मिक्स हो जाता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मिक्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द टेस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये अनफ्लेवर क्रिएटिन होने के कारण दूसरे ब्रांड्स का जो अनफ्लेवर क्रिएटिन आता है सेम उसकी तरह टेस्ट करता है, लाइक इसकी टेस्ट ही नहीं आती, इट्स अ रॉ लाइक वाटर। अगर इसके एडवांटेज की बात की तो ये लैबडोर यूएसए से सर्टिफाइड है एंड मसलब्लेस एक बहुत ही रेप्यूटेड और इंडिया का लीडिंग ब्रांड है। देन इस प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए एक कोड आता है जिससे आप आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं वो चेक कर सकते हो। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। एक्चुअली जो मेरे पास है वो है 400 ग्राम्स का पैक एंड वो मिल रहा है आपको अराउंड 1500 रुपीज में। ये एक इंडियन ब्रांड है बट स्टिल इसके प्राइस इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरह है, एंड वो मुझे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा। जहाँ पे हेल्दी है या फिर एज इट इज का क्रिएटिन इतना चीप आ रहा है एंड उसकी क्वालिटी भी इसकी तरह ही है, सो मुझे ऐसा कोई एडवांटेज नहीं लगता टू गो अहेड विद मसलब्लेस। इंस्टेड आप दूसरे ब्रांड्स को प्रेफर कर सकते हो अगर आप पैसा सेव करना चाहते हो। अगर आपको ये ब्रांड बहुत पसंद है देन श्योरली यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो देन यू कैन यूज माई कोड राजएमबी, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस वॉज अबाउट द वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अभी स्क्रीन पे आपको बहुत सारे मसलब्लेस के प्रोडक्ट्स के रिव्यू वीडियोस आ रहे होंगे, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट बिफोर परचेसिंग एनी प्रोडक्ट फ्रॉम मसलब्लेस, बिकॉज मैंने उसमें बहुत सारे मसलब्लेस के प्रोडक्ट को एक्सपोज किया है। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।